सही भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं इमरान खान फिर से आपका इस्तकबाल करता हूँ भोपाल पिजेंस के अंदर। और आज जो आप पीछे देख रहे हैं, पूरी की पूरी जो ढाबल बनी हुई है, लॉफ्ट बनी हुई है, ये 30 साल पुरानी ढाबल है और 30 साल पुराना शौक है हमारे दीपक भाई का। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार भाई। और साथ में आज हमारे हैं रॉबिन भाई और दीपक भाई के लड़के हैं साथ में निखिल भाई। ये दीपक भाई का सपोर्ट करते हैं दोनों को दोनों। और आज आपको यहाँ का शो कराया जाएगा क्योंकि 30 साल पुराने लगातार शो करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। और एक ही लॉफ्ट के अंदर शो हो रहा है पूरा का पूरा बराबर और लगातार चले आ रहा है। कभी इस लॉफ्ट से कभी कबूतर ख़त्म नहीं हुए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है ये। और देखें तो पूरे ग्राउंड के अंदर ये बीच में एक लॉफ्ट बनी हुई है, आसपास पेड़ वगैरह भी हैं, तो कबूतरबाजी करने का भी अलग मज़ा होता है इसके अंदर। क्योंकि ग्राउंड के अंदर मिट्टी वगैरह खाते रहते हैं कबूतर और कभी बीमार भी नहीं पड़ते होंगे आपके कबूतर। बहुत ना के बराबर पड़ते हैं क्योंकि ग्राउंड में मिट्टी पूरे खाते रहते हैं, अपने सेहत का हिसाब वो खुद रख लेते हैं, अपन को खुद नहीं रखना पड़ता उनका। और दीपक भाई दो तीन क्वेश्चन मैं आपको करना चाहूँगा। कबूतरबाजी तो मैंने आपकी बताई दी और आपने भी बता दिया, 30 साल पुरानी है ये, तो कबूतरबाजी का शौक कैसे लगा आपको? भाई शौक ये है कि आम शौक से हटके है और बिल्कुल ये क्या है कि अपने आप को बिजी रखते हैं जी। और दूसरी बात ये है कि आप इस माइंड में रहते हैं तो दूसरे माइंड में नहीं जा पाते, मतलब गलत कामों में नहीं जा पाता इंसान जब कबूतरबाजी में लगा रहता है। नहीं, शौक कैसे लगा आपको? मतलब 30 साल है, आपकी एज भी करीब है ना 40 से 45 लग रही है मेरे को, है ना? तो शौक स्टार्टिंग है, जो शुरुआती शौक होता है ना, जब घर वाले बहुत परेशान करते हैं, अपन एक या दो कबूतर लेके आ जाते हैं, उस शौक की बात कर रहा हूँ। तब कैसे लगा था आपका स्टार्टिंग जो कबूतर आया था घर में? जब तो आया था तो हमारे अब्बा को भी थोड़ा सा शौक लग गया था जी, तो हम सिर्फ दो कबूतर लेके आए थे, उसके बाद दो से चार पाँच कर लिए थे, फिर बढ़ते गए, आज बहुत सारे हैं जी। और अभी बीच में मैंने बहुत कम भी कर दिए हैं कबूतर जी, जी। तो मैंने देखा आप दीपक भाई का शौक ज़्यादातर ब्रीडिंग का शौक है, तो उड़ाने के अंदर कुछ उड़ान वगैरह करी आपने खुद पर्सनल? उड़ान तो मैंने करी थी करीबन 15-1 साल पहले के कबूतरों में, तब पिटाव भी बहुत कम होता था। अरे यहाँ बहुत पिटाव होता है, यहाँ तो 10:30 बजे ही बाज बेरी आ जाते हैं जी। क्योंकि यहाँ से जो हमारा ब्रीडिंग सेंटर है बाज बेरियों का, वो यहाँ से बहुत करीब पड़ता है, वो गवर्नमेंट ने बनाया पूरा सेंटर, श्यामला हिल्स लगता है, पूरा लगता है। तो ये क्या है, टावर से उठ के फौरन आ जाते हैं जानवर, परिंदे उड़ने ही नहीं देते, और परिंदे आसमान जाते हैं तो वापसी का कोई चांस ही नहीं है कि कब ले गए जी। तो भाई की पूरी ब्रीडिंग लॉफ्ट है और सारे मेन ब्रीडर्स ही हैं, आप देखेंगे शो करेंगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले हम आपको अंदर का शो करा देते हैं पूरी लॉफ्ट का, उसके बाद आपको कुछ अच्छी और बेहतरीन नस्लें देखने को मिलेंगी। क्योंकि मैंने आते ही कुछ दो तीन कबूतर हाथ में लिए थे और देख के वाकई बहुत दिल खुश हुआ, तो यकीनन आपको भी बहुत पसंद आएंगे जब मेरे को पसंद आए। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखिएगा, अपन चलते हैं लॉफ्ट की तरफ, पहले सेटअप दिखाते हैं आपको, उसके बाद फिर आपको शो कराया जाएगा। फ्रेंड्स पहले आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि मैंने वादा करा है कि हर कबूतरबाज, हर परबाज जो भोपाल में हैं और उनके घर पे जाना है, तो रॉबिन भाई लगातार मेरे से कांटेक्ट में बने हुए थे, तो आज संडे के दिन मैंने उनके घर का शो करा। और दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये पूरे यहाँ पर कबूतर खुलते हैं और ये बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर, और इस साइड ये छोटा सा अड्डा बना रखा है जिस पर कबूतर बैठते, और पूरे कच्ची कच्ची ज़मीन है हर तरीके से, तो ये कबूतरों के लिए बहुत मुफीद रहती है मिट्टी। और आप लॉफ्ट देखें तो ये बहुत पुरानी बनी हुई है, 30 से 35 साल हो गए दीपक भाई इसको बने हुए? नहीं नहीं, इसको नहीं बनाई है, अंदर थे। अच्छा, पहले साइड थे, पीछे थे? पहले मेरे घर में थे, फिर घर में से बाहर लेके आया हूँ जी जी। जब से बाहर हैं ये करीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। अच्छा, इसमें देखिए आप, तो चलिए अपन अंदर का मैं दिखा दूँ एक बार सेटअप आपका जी भाई। तो ये पूरा एक सेटअप बना रखा है ये इधर, और खन भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बहुत बड़े बड़े खन हैं कबूतरों के, जिनकी वजह से ब्रीडिंग बहुत अच्छी होती है इनकी। साइज़ देखिए आप, साइज़ के हिसाब से ब्रीडिंग सेंटर बहुत बेहतरीन है ये। तो ये है, और आप सफाई देखें, सबसे मेन बात ये साफ सफाई कौन करता है दीपक भाई? मैं ही करता हूँ। अरे सारी साफ सफाई आप ही करते हैं? मैं सफाई मैं ही करता हूँ, अभी क्या है कि थोड़ा सा और रहेगा यार जी जी।
बाकी तो सफाई देखिए आप, वाकई लॉफ्ट देख के ऐसा लग रहा है ये अंदर की भी कि आपने बेहतरीन सफाई करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बनाने आया हूँ तब की सफाई दिख रही है, ये रेगुलर रेगुलर जो होती है वो वाली सफाई है ये बिल्कुल। तो चले भाई शौक की तरफ बढ़ते, और सबसे पहले अपन किसका शौक करते हैं वो देखते हैं अपन। दीपक भाई आपको कल्दुमे से बहुत खास लगाव है ऐसा लगा मेरे को अंदर, कल्दुमे देख के। हाँ भाई ये क्या है कि बहुत पुराने कबूतर हैं जी, और ये 15 साल से कबूतर चल रहे हैं जी। ये जोड़ा भी ये सबसे पुराना कबूतर है जी, और इससे ये कबूतरी लगाई है अभी नई जी, इसकी मादा मर गई थी। अच्छा अच्छा, तो ये कबूतरी इसके खानदान की है कि अलग से आपने? नहीं नहीं ये पोती है इसकी। अच्छा दादा पोती है, बहुत बढ़िया। आप ज़रूर इसके अंदर बहुत पुरानी पुरानी नस्लें निकलेंगी जब आप ये जोड़े में से बच्चे निकालेंगे। जी भाई ये तो, है सबसे मेन कबूतर मेरा जी। तो चलिए इसके आँख का शो करेंगे अपन। एक बार ये देखिए, ये नर है? हाँ ये नर है, ये सबसे पुराना नर है जी। और ये इसकी परकत है जी, ये इसके पंजे हैं, जामनी हैं जी जी। ये काली रोक के रखिए उनको ताकि मैं आराम से बन जाए, क्योंकि फोकस करना पड़ता है। हाँ कैमरा आजकल बहुत परेशान कर रहा है मेरा फोकस करने में जी। बहुत बढ़िया माशाल्लाह, जामनी पंजे रखे हैं बिल्कुल। हाँ जी बहुत शानदार नर है माशाल्लाह जी। ये देखिए आप एक बार इसकी आँख का शो को कर लीजिए। इसकी उम्र कितनी हो गई होगी? 14 साल। 14 साल का है? हाँ। वाह बहुत बढ़िया, इसको नीचे छोड़ के दिखाएंगे? बिल्कुल जी। ये देखिए आप कल्दुमा, 14 साल उम्र है इसकी। इसकी मादिन? इसकी मादा ये है ये। अच्छा पोती? ये इसकी मादा है, पोती है इसकी जी जी। और इसी को लगा रहा हूँ जी जी। एक ये आग और दिखा दीजिए मेरे को, आग सही नहीं आई बाग देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत बढ़िया। पर दिखा दीजिए, वाओ दीपक भाई बहुत ज़बरदस्त पर हैं इसके मादिन के, मज़ा आ गया इन परों को देख के। ये पंजे और दिखा दीजिए, ये देखिए जामनी पंजे हैं, दम पूरी काली रखते हैं जी। और कल दो बहुत बढ़िया। ये मादा है, कल पेटे को लिया ना बेटा, बहुत ही शानदार। एक बार कल्दुमी जोड़ है ये, अलग है कि वही खानदान की है? ये उसमें से अलग है। अलग है? हाँ जी। देखिए आप, उसकी बेटी इससे लगाई हुई थी इसके बाप से जी। इसका बाप बीमारी में मर गया। अच्छा अच्छा, बाकी ये खानदान चल रहा है। चलिए अपन नर की आँख का शो कर दे, क्योंकि पकड़ में नहीं आ रहा है वो, बहुत बिग साइज कबूतर है आपके। ये नर ही वाला? ये नर है जी, आप आँख देख सकते। देखिए अब हाथ में अभी भी नहीं आ रहा वो। देखिए आँख देखिए आप इसकी, बहुत बढ़िया आँख है माशाल्लाह। पर दिखा दीजिए, ये पर हैं इसके जी। बढ़िया पंजे और दिखा दीजिए, पंजे तो यहीं से दिख रहे हैं मेरे को। हाँ, जामनी पंजे हैं ये, प्योर जामनी पंजे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, देखो देखिए आ बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया। ये मादिन है? हाँ ये इससे ब्रीडिंग होती है, इसके बच्चे। ये परकत है इसकी जी, बहुत बढ़िया पर है इसके जी, बहुत ही बढ़िया। और ये इसके पंजे हैं जी, पंजे नहीं आ रहे, बहुत परेशान कर रहे हैं साहब। कबूतर पकड़े नहीं शायद आपने आदमी? नहीं बहुत कम पकड़ती हैं हम लोग। नहीं आपने नहीं पकड़े, बच्चे तो पकड़ते होंगे लेकिन। हाँ, आपने नहीं पकड़े, इसलिए आपके हाथ में नहीं मचल रहा है वो। देखिए सब जगह घूमते रहते हैं कबूतर बाहर।
दीपक भाई ये भी सेम खानदान के हैं कि अलग खानदान? ये उन्हीं खानदान में से, पहले वाले की दूसरे वाले? पहले वालों के खानदान के हैं जी जी। देखिए वो छुपरा इनार थोड़ा दिखा दीजिए जरा इनका। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन शो के स्टार्ट करते। ये इसकी आँख है नर की, नर की है और पास करते इसकी आँख ले ली। वाह बहुत बढ़िया। ये परका थे, पंजे दिखा दिए, ये पंजे हैं जी। आप देखिए कल्लुओं का शो कीजिए साहब आज, वो भी बिल्कुल आज़ाद, उसमें उनकी जो नेचुरल कंडीशंस रहती है उनके अंदर। ये मादेन आ गई इसकी? हाँ ये मादेन, ये मादेन है। चलिए इसकी आँख का शो करते हैं। ये है ये इसकी परकत है जी, बहुत ही आला माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। ये इसके पंजे हैं, ये देखिए आप कल्लू में ही कल्लू में। ये वाली कौन सी जोड़े? ये भी उन्हीं खानदानों में से, खानदान में सेम ही खानदान चले आ रहे हैं पास जी जी। चलिए इसके नर के आँख का शो करते हैं अपन। लीजिए भाई ये इसकी आँख है, बहुत शानदार। ये इसकी परकत है जी जी। ये इसके पंजे हैं जी। ये इसकी मादा है जो नर छोड़ा अभी जी जी। आपके सारे कबूतर बिग साइज हैं। ये जो है परकत है इसकी जी, देखिए आप पर बहुत शानदार है इसकी। और ये इसके पंजे हैं, ये भी अलग है, पकड़ा ही नहीं आ रहे साहब, बहुत बड़े साइज के कबूतर हैं। चलिए अपन आंखों का ही शो करते हैं डायरेक्टली, फिर नीचे छोड़ के दिखाएंगे अपन जी। ये देखिए आप बहुत परेशान कर रहे हैं कबूतर। ये इसकी आंखें, ये देखिए बहुत बढ़िया माशाल्लाह। ये परकत है, ये परकत है जी। ये पंजे हैं जी। ये मादा ने? हाँ ये मादा। चलिए इसका शो करते हैं आपका। हाँ आपके कल्लू में देख के मुझे भी कल्लू का शौक लगने वाला है ऐसा लग रहा है। पाल लीजिए आप क्यों मेरे पास कल्लू में नहीं देखी, लल्लू में है मेरे पास अभी जी। वो भी जने कैसे शौक लग गया था, तो एक पैर मेरे पास लल्लुमो का है। ये पंजे हैं इसके जी, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। दीपक भाई ये कौन सा कबूतर है? ये कलपेटिया है, कलपोटिया रामपुरी में कलपोटिया है ये शायद। और ये इसकी उम्र कितनी साल है ये वाले की? इसकी उम्र लगभग 18 साल है। 18 साल, 18 से ऊपर पहुंच गया है ये जी। अपने घर का ही है 18 साल में आ गया है। हाँ 18 साल से अपने घर में ही है, अपने घर में है। बहुत बढ़िया। चलिए इसकी आँख का शो कराते। ये देखिए आप बहुत ही आला माशाल्लाह, बहुत मुश्किल से मिलते हैं ऐसे। और 18 साल कबूतर है ये भी, बहुत ही बढ़िया। इसके पर दिखा दिए थोड़े से, ये देखिए आप जी, छोड़ दीजिए पंजे और देख लेते हैं जी। ये देखिए आप 18 साल पुराना कबूतर।
दीपक भाई ये कौन से हैं अपने? ये बाजरे हैं। बाजरे रामपुरी वाले तो नहीं है कहीं? नहीं, ये रामपुरी नहीं है, ये देसी हैं। अपने गिरेवास बाजरे, भोपाली बाजरे। कम से कम 14 साल पुराने बाजरे हैं। ये 14 साल उम्र है इनकी? नहीं, मतलब जो नस्ल चली आ रही है, नस्ल जो आपके पास है वो 14 साल पुरानी है ये वाली नस्ल। चलिए इनके आँख का शोक करते हैं अपन। जी, ये नर्सरी शोक करा रहे हैं आप? जी, देखिए आप बहुत ही बढ़िया माशाल्लाह। और देखिए आप जी, ये पंजे जी, मादा है ये, मादे ने अपनी, हाँ ये इससे लगाई है, उसकी मादा मर गई थी तो ये अभी नई पट लगाई है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया जी। ये पंजे देखो भाई, ये कौन सी जोड़े? ये रामपुरी जोड़े, रामपुरी बाजरे। हाँ जी, ये भी लगभग मेरे पास करीबन 8 साल पुराने हैं। 8 साल पुराने? हाँ। चलिए इनके आँख का शो करते हैं अपन। आपने वाकई कबूतर बहुत संभाल के रख रखे, और सारे पुराने पुराने कबूतर देखने को मिलते हैं। ये है, ये देखिए आप, बहुत ही शानदार। ये परफेक्ट है, रामपुरी कबूतरों की खूबसूरती अलग होती है। हुक्का लड्डी बहुत बढ़िया। ये पंजे हैं जी, ये मादे ने उसकी, ये इसकी मादा है, ये भी रामपुरी है। हाँ ये भी रामपुरी है। आँख नहीं आई सही से जी, बहुत बढ़िया। ये परकत है जी, और ये पंजे जी, बहुत ही बढ़िया जी। तो ये एक और बाजरे। हाँ ये बाजरे देखो भाई, ये कहाँ की नस्ल है ये वाली? ये भी अपने एक भाई हैं जी, अपने उनके यहाँ से आए जी, ये अपन लेके आए थे 100 जी बाजरों का जी जी। ये क्या आपका शौक करते हैं? हाँ, ये कितने साल हो गए इनको अपने पास? नहीं ये तो अभी आए हैं, अभी नहीं। हाँ जी जी, एक साल के लगभग हुआ है इनको। और ये 15-20 साल होते तक अपने पास ही रहेंगे ऐसा लग रहा है ये। अब भाई वो तो समय है, अब समय के हिसाब से रखेंगे इनको। जी 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 भाई, देखिए बहुत अच्छी आंखें माशाल्लाह। ये मेरे एक सादिक भाई हैं जी, उनका तोहफा है ये। अच्छा सादिक भाई? हाँ जी, चलिए इस बाग में रहते हैं जी जी। ये उनका पर दिखा दीजिए, परकत दिखाता हूँ जी। देखिए आप, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। ये पंजे हैं ये मादे ने? नहीं ये मेल है उसका। अच्छा, वो मादा थी, ये मेल है। आग नहीं आई साफ सही से, हिला ये कबूतर। ये परकत है, बहुत बढ़िया। गले भरे ये पंजे, तो ये कौन से दीपक भाई? ये दूधिया भाई रहे हैं, दूधिया बाजरे। हाँ चलिए, और ये भाई भाई हैं। अच्छा दोनों भाई हैं? हाँ, सगे भाई हैं। हाँ, पर इनके लिए क्या है कि मादेने नहीं मिल रही हैं। अच्छा, तो ये कब से खाली बैठे? काफी समय से खाली हैं जी जी। हाँ, तो इनसे दूसरी कबूतरी लगा के रखी हैं।
ओके चलिए अपन इनका शो करते हैं आँखों का, दोनों नरी नरों का। जी ये है इनका आँख, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये परका थे जी, बहुत शानदार। ये इनके पंजे हैं यार, ये इसके पंजे बहुत प्यारे जामनी पंजे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। छोड़िए ये उसी का भाई है जी, आजा आग बेटा। हाँ भाई आग सही है, बहुत बढ़िया। ये परका थे जी, ये इसके पंजे हैं जी। ये फीकी जोड़े जी जावरों वालों में से है, जावरों वालों में से ही है। हाँ सर देखिए आप, नर का तभी बहुत मोटा है, चलिए इनका वो दिखाएंगे पास से हम। तो जावरों वाली नस्ल आपके पास कहाँ से आई? ये साहब हाइट से ही खरीदी थी मैंने। अच्छा चार से खरीदी, कभी कभी बाई चांस बहुत मुश्किलों से ऐसे कबूतर आ जाते हैं, बस ये है कि पहचान होना चाहिए बस। हाँ जी जी बहुत बढ़िया है, इसके पर दिखा दीजिए। ये पर कहते जी, ये पंजे हैं इसके जी। ये माजन उसके साथ लगाइए। हाँ आप आगे देखिए, बहुत ही आला माशाल्लाह, बहुत बढ़िया पंजे वो दिखा दीजिए। ये पर कहते जी, ये पंजे हैं जी, बहुत बढ़िया। दीपक भाई ये मेरी फेवरेट जोड़ भी आपके पास है, मौजूद है कासनी जी भाई जी। ये करीबन करीबन 8 साल पुराने हैं ये आपके पास? हाँ जी। तो क्या है कि बीमारी में सब मर गए, बस ये दो ही एक जोड़ा बचा है मेरे पास जी जी। चलिए इनका शोक करते हैं पर आँखों का। ये नर है मादिन है? ये नर है, मेल है ये। देखिए आप कासनी चोंच, इसकी मुँह खोल के और देखते हैं अपन कि जुबान भी कासनी है कि नहीं इसकी। जी देखिए आप, जुबान भी आगे से पूरी कासनी है जी जी, बहुत बढ़िया। ये परका थे जी, मैंने इसलिए काट दिए थे कि ये आखिरी नस्ल बची है जी, जी। पट्ठों की जी, ये पंजे हैं बहुत बढ़िया। ये फीमेल है? ये फीमेल है। दोनों एक ही नस्ल के हैं ये? एक ही नस्ल के हैं। दोनों आंखों से कुछ अलग बयान कर रही हैं? हाँ आंखों से अलग है, मतलब वो क्या है दादा परदादा का मेल जो आ जाता है ना उसके हिसाब से जी। बाकी हैं एक ही उसके, एक ही है जी जी। ये उसके वो हैं जी पंजे। ये कल्चरे आपके पास भी मौजूद है? हाँ ये बहुत पुराने हैं जी, बाकी ये बीमारी में 4 पीस ही बचे हैं मेरे पास। अच्छा 4 ही बचे हैं? हाँ। जी एक जोड़ है और 2 पट्ठे ही पट्ठे हैं जी जी। तो ये नर की आँखें? हाँ मेल जी जी, बहुत ही आला माशाल्लाह। पर और दिखा दीजिए इसके जी, ये पंजे हैं जी। ये मादा है? मादे नहीं ये वाली? हाँ ये उसी कलसरे की मादा है। देखिए नर से भी ज़्यादा बेहतरीन मादिन है, बहुत ही शानदार बहुत बढ़िया। ये परका थे इसकी, ये बढ़िया। ये पंजे हैं जी हाँ।
जैसा कि भोपाल के बारे में मशहूर है, कोई लॉफ्ट हो और उसके अंदर ललसरे ना हो, ऐसा मैंने बहुत रेयरली एक दो छतों पे देखा है। तो दीपक भाई, ये आपके भी ललसरे आपके पास? हाँ साहब, मेरे पास बहुत थे जी, पर मैंने ख़त्म करके ये एक जोड़ बचाई। अच्छा जी, सिर्फ एक ही जोड़ा है आपके पास? ये साहब ललसरे नहीं है भोपाल में लॉफ्ट के अंदर, शौक के तौर पर एक रखी है जी। ये बाकी में बहुत खूबसूरत जोड़ है जी। चले इनके आग का शो करते हैं अपन जी भाई। ये नर है वाला? हाँ, ये मेल है, नर है ये जी। जी, बहुत ही शानदार। और ये इसकी परकत है जी। जी, और ये इसके पंजे हैं जी। ये फीमेल है? ये फीमेल है, देखिए आंख इसकी बहुत बढ़िया। ये इसकी परकत है। ये कबूतरी ऐसी, इससे कई कलर बन सकते हैं आराम से, कई कलर कई कलर बन सकते हैं इससे जी। ये देखिए आप, बहुत ही शानदार जी। तो दीपक भाई, हमें सारे कबूतर बाहर खुले हुए देखने में मज़ा आते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने सारे कबूतर इस जगह छोड़ दें ताकि हमें मज़ा आए देखने में, और सारे दोस्तों को भी ज़्यादा मज़ा आएंगे। फिर आपसे दो एक बात करते हैं हम। और फ्रेंड्स, देखिए आप कैसे खुले में, पूरा मैदान ही इनका है, पूरे मैदान में कहीं पर भी जा सकते हैं कबूतर। आपको दिखाते हैं हम, देखिए कबूतर आ रहे हैं सीधे के सीधे बाहर लाइन से, तेज़ी में आ रहे हैं। ये देखिए आप, बात तेज़ी वाली है। और ये ऊपर बैठते हैं यहाँ पे, और पेड़ भी मौजूद हैं, लेकिन पेड़ों पे नहीं बैठेंगे कबूतर, सारे कबूतर यहीं बैठते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही आला शौक है माशाल्लाह दीपक भाई का। देखिए आप, चारों तरफ कबूतर ही कबूतर ग्राउंड। दीपक भाई, रॉबिन भाई और निखिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने शौक कराया हमें। और दीपक भाई, एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये पूरे कबूतर जो अपने ग्राउंड में हैं और पूरा पीछे जंगल टाइप का एरिया है, तो इधर आपको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है कबूतरों के, आपके आपके साथ साथ आपके कबूतरों को? सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ सांप आते हैं। सांप आते हैं? कभी भी आ जाते हैं जी, इनका कोई वो नहीं है, अंडे भी खा जाते हैं, बच्चे भी खा जाते हैं जी। और मोहल्ले वाले जब बताते हैं तो फिर मेरे को पकड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो सांप को पकड़ के क्या करते हैं आप? सांप को पकड़ के जंगल में छोड़ जाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा दीपक भाई, आपने एक साल पहले आपकी लोफ में सांप पकड़ा था पूरी खुदाई करके। जी भाई, पूरी जी जी। हाँ। उसका वीडियो मैंने एक साल पहले अपलोड करा था इसी चैनल पर, अगर आप चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। स्नैक इन पिजन स्लोप ऐसे करके कुछ वीडियो था, जो कि आप पूरी खुदाई करके फिर ऑटो के अंदर छोड़ के भी आए थे उसे पूरा पूरा जी जी। हाँ, तो ऐसा भी होता, कई लोग करते हैं, सांप वगैरह आते हैं तो उनको मार देते हैं, तो क्या ये करना चाहिए? नहीं, वैसे मैं चाहता हूँ, जानवर वो भी है जी। वैसे तो इनको मारना नहीं चाहिए, पकड़वा के छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जान उसमें भी रहती है जी, और जान अपन सोख कर रहे हैं उसमें भी रहती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो मेरा तो ये है अनुमान कि आप जो है पकड़ के या पकड़वा के, और हाँ। पकड़े ही नहीं कि नहीं खुद, क्योंकि आप तो शायद एक्सपर्ट है सांप पकड़ने के। पकड़े ना तो अच्छी बात जी, क्योंकि कभी कोबरा भी हो सकता है, कभी धमना भी हो सकता है जी, कभी घोड़ा पछाड़ भी हो सकता है जी। तो इसके कारण जो है पकड़वा लें, कोई सर्प मित्र हो उसको बुलाएं और पकड़वाएं, रिस्क ना लें जी, और पकड़वा लें। और अपने कबूतरों की हिफाजत अपने खुद के जिम्मे, ना कि दूसरों के जिम्मे, अपने खुद जिम्मे होना चाहिए जी। जी बिल्कुल
जो आपने जिम्मेदारी से अपना काम करे जी, घर वालों पे अगर ना करे जी, तो बिल्कुल वो बहुत अच्छी बात है। तो दीपक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पहली बात तो कि ऐसे लाजवाब कबूतर का शौक कराया, उनका साइज़ देख के हमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि वो आपके कबूतर आपके हाथ में ही नहीं आ रहे थे, इतना बड़ा साइज़ है जिसे किंग साइज़ भी बोला जा सकता है। तो दीपक भाई आप कुछ कहना चाहेंगे भोपाल की कबूतरबाजी के ऊपर, तो आपके दो लफ्ज़ सुनना चाहता हूँ मैं। भाई भोपाल के कबूतरबाजी तो बहुत अच्छी है, यहाँ ज़्यादा वो भी नहीं होता है, ज़्यादा उड़ान भी होती हैं, बहुत उड़ानें होती हैं जी। बाकी क्या है कि ईमानदारी से उड़ाना चाहिए। बिल्कुल सही, ये तो पूरे मैसेज दुनिया के लिए है कि जब भी कबूतर उड़ाएं पूरी ईमानदारी से उड़ाएं, तो ईमानदारी से उड़ाएं जी। और जो मेहनत करता है और जो ईमान पे चलता है वो उसको ही मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो जी बिल्कुल चाहता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी भाई। और रॉबिन भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार आपने कॉन्टेक्ट बनाए रखा और हम आपकी वजह से यहाँ पे आए हैं दीपक भाई के। और निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करते हैं आप कबूतरबाजी के नया आयाम छुएं, उड़ान में, ब्रीडिंग में नहीं, ब्रीडिंग तो आपके पापा ने कर ली, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कबूतर उड़ान में कुछ नया आयाम तय करें, क्योंकि आपका साथ में निखिल अपने रॉबिन भाई भी यहीं से ही तो ये पूरा साथ देंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आपको, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है भोपाल पिजन्स, और मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही कुछ छुपे हुए कबूतरों को आप तक पहुंचाने की, क्योंकि ये लॉफ्ट बहुत दिनों से नज़र से बाहर थी मेरे, और वरना इस लॉफ्ट का वीडियो तो मैं बहुत पहले बना चुका होता। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद, जय भारत, जय भोपाल।